हेलो, आज का वीडियो बेसिकली मैंने बनाया है कि क्यों इमोशनल डिटॉक्स ज़रूरी है, क्यों हमें नेगेटिव इमोशंस में नहीं रहना चाहिए, क्यों स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी को हमारे सिस्टम से, हमारी बॉडी में से, मन में से निकाल के क्यों फेंक देना चाहिए। सो दोस्तों, आपने अगर कभी सोचा हो तो कितना भी स्वादिष्ट खाना हम खा लें लेकिन उसको हमारे सिस्टम में हम हमेशा के लिए नहीं रख सकते, उसको हमें निकालना ही होगा, उसको एक्सक्रीट करना ही होगा, वरना वो हमारे शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगा देगा। वैसे ही आपको जब प्यास लगती है तो आप शायद नींबू पानी पीते हैं, शायद पानी पीते हैं, शायद कोल्ड ड्रिंक के नाम से जितने भी कोल्ड बेवरेजेस हैं वो आप पीते हैं, पर क्या आप उनको हमेशा के लिए अपने सिस्टम के अंदर रख सकते हैं? कुछ घंटों में यदि हमने उनको नहीं निकाला तो हमारा ब्लैडर दुखने लग जाता है। वी फील अनकम्फर्टेबल, वी फील अनईजी, हमारे सोचने और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। क्या कभी आपने ध्यान दिया कि हम कितनी भी गहरी और लंबी सांस भर लें, ऑक्सीजन अपने तन बदन में भर लें, लेकिन जब तक हम एक्सहेल नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर रहती है और हमें शायद मार सकती है। हमें जीवित रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए वो स्वादिष्ट खाना, वो स्वादिष्ट पेय और वो शुद्ध हवा जो हमने अपने अंदर भरी है उसको निकाल कर छोड़ देना, अपने सिस्टम से बाहर निकाल देना, वो बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, व्हाई डोंट वी डू द सेम विथ आर इमोशंस? क्यों हम नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के बैठ जाते हैं? आपको ये बात पता है, एक भरा हुआ पानी का ग्लास कुछ ग्राम का ही होता है लेकिन आप उसको कुछ घंटों से ज़्यादा पकड़ के नहीं रह सकते हैं, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। तो फिर क्यों उस सोच को अपने दिमाग में लगा के बैठे हैं, मन में लगा के बैठे हैं जो आपको सिर्फ दर्द दे रही है? आइए देखते हैं कि उस सोच को, उस नेगेटिव इमोशन को कैसे रिलीज करना है। नंबर वन, जर्नलिंग। लिखिए जो भी मन में आ रहा है, अपनी पूरी, कहते हैं ना, भड़ास निकाल दीजिए उस पेपर पे। आप चाहें तो उस पेपर को बाद में फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ जर्नलिंग इज टू वेंट आउट, टू रिलीज द इमोशंस, टू नॉट होल्ड ऑन टू इट। दूसरा, अपने किसी विश्वास पात्र से उसके बारे में बात करें, वेंट इट आउट टू योर फ्रेंड। और तीसरा, मेडिटेट कीजिए। अगर आपने डेली सुबह 15 मिनट अपने लिए निकाल लिए, मेडिटेशन कर लिया, आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा असर होगा आपके दिल, दिमाग और पूरी बॉडी पे। सो दोस्तों, प्लीज़ 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 डू नॉट कीप द नेगेटिव इमोशंस इनसाइड योर बॉडी। इट्स जस्ट लाइक फंगस, वो बढ़ती चली जाती है, हमारे शरीर को खा जाती है, अलग अलग तरीके तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। सो डू इमोशनल डीक्लटर। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस ऑन एनी ऑफ द न्यू अपलोड्स। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।